क्या कभी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा? एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में जाया जा सकेगा, और रोशनी से भी तेज स्पीड में क्या हम ट्रेवल कर पाएंगे? जैसे ही सवाल अगर आपके भी मन में आ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वार्म होल्स के बारे में कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इट्स यूनिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वार्म होल्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि वार्म होल से क्या कभी टाइम ट्रेवल और स्पीड ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले वार्म होल्स क्या होता है ये जानते हैं दोस्तों। दरअसल वार्म होल्स हमारे जो यूनिवर्स में, उनमें एक ऐसा पैसेज होता है जो कि लंबी जर्नीज के लिए एक क्विकर रूट बन सकता है, क्योंकि वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम होता है, यानी कि जहाँ समय बहुत ही धीरे या कहे ना के बराबर धीरे चलता है। लेकिन ये सच सिर्फ एक थ्योरी में ही है। दरअसल वार्म होल्स की जो एग्जिस्टेंस है उसे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बेसिस पे प्रिडिक्ट किया गया था। और जो वार्म होल्स है वो डेंजरस भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें सडन कोलैप्स हो सकता है। उसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेडिएशंस और एग्जॉटिक मैटर के साथ अनसेफ कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि वार्म होल्स दिखते कैसे। दरअसल वार्म होल्स का स्ट्रक्चर में एक थ्रोट और दो माउथ होते हैं। अगर हम एक माउथ से अंदर जाएंगे तो दूसरे माउथ से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जो उसका थ्रोट होता है वहाँ समय बहुत ही ज्यादा धीरे चलता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस का मानना है कि जो वार्म होल्स है वो क्वांटम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब वार्म होल्स के साथ ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिन वजह से साइंटिस्ट अभी वार्म होल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो दरअसल वार्म होल्स में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे उससे ट्रेवल करना अभी के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन जो बढ़ती टेक्नोलॉजी है उससे ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में वार्म होल्स से हम जरूर टाइम ट्रेवल या स्पीड ट्रेवल कर पाएंगे। वार्म होल्स की जो पहली दिक्कत है वो है उसका साइज, क्योंकि ये माना गया था कि जो वार्म होल्स होते हैं उनका साइज 10^-33 सेंटीमीटर होता है। लेकिन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के साथ ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ वार्म होल्स है वो ज्यादा लंबे साइज में एक्सपेंड हो गए होंगे। अब जो दूसरी प्रॉब्लम वार्म होल्स के साथ हमें झेलनी पड़ती है वो है वार्म होल्स की स्टेबिलिटी। आइंस्टाइन रोजन जो वार्म होल्स है वो टाइम ट्रेवल या स्पीड ट्रेवल के लिए हेल्पफुल बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि वार्म होल्स जिनमें एग्जॉटिक मैटर होगा वही लंबे समय तक के लिए खुले रह सकते हैं। अब जो तीसरी प्रॉब्लम हमें वार्म होल्स के साथ झेलनी पड़ती है वो है एग्जॉटिक मैटर। एग्जॉटिक मैटर क्या होता है? दरअसल एग्जॉटिक मैटर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव प्रेशर होता है। अगर एक वार्म होल में एडिक्वेट एग्जॉटिक मैटर होगा तभी उससे हम इंफॉर्मेशन और ट्रेवलर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएंगे। और एडिक्वेट एग्जॉटिक मैटर वाले वार्म होल्स से ही टाइम ट्रेवल और स्पीड ट्रेवल जैसी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अब हमारे यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के अलावा वार्म होल्स एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि वार्म होल्स जो कि एक ऐसे सर्टेन मैनर में पोजिशन होंगे उन्हीं से टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा, यानी कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएगा। अब जो वार्म होल्स है उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि वो टाइम ट्रेवल के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा जरिया है। लेकिन जो क्वेश्चन उभरता है वो ये है कि क्या हम कभी इन वार्म होल्स को कैप्चर स्टेबलाइज और ब्रॉडन कर पाएंगे या नहीं? इसका जवाब हमें आने वाली टेक्नोलॉजी से ही पता चल पाएगा। वार्म होल्स हमें सुपर ल्यूमिनल या कहें लाइट से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करने में हमारी मदद कर सकता है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को वार्म होल कनेक्ट कर रहा है तो अगर हम उससे जाएंगे तो हम लाइट से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइट वार्म होल्स के अंदर से ट्रेवल करेगी तो वो तो हमसे ज्यादा तेज होगी। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करा के जाएंगे तो वो हमें जल्दी पहुंचाएगा बजाय भाग के जाने में। अब अगर आपको वार्म होल्स के इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है तो हम आपको कुछ फिल्मों या कार्टून्स का भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने शायद एवेंजर्स एंड गेम तो देखी ही होगी। तो एवेंजर्स एंड गेम में जो एक जादूगर था जिसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज था, वो जब अपना हाथ में अंगूठी पहन के अपना हाथ घुमाता था तो एक ऐसी टनल खुल जाती थी। वही टनल उस मूवी में वार्म होल्स है। लेकिन उसमें ये भी दिखाया गया है कि जो टनल का माउथ है, मतलब उस वार्म होल का माउथ है, उससे आग निकल रही है। खैर वो तो पूरा फिक्शनल है, लेकिन जैसे उस टनल से हम एक जगह से दूसरी जगह सीधे पहुंच पा रहे हैं वैसे ही वार्म होल्स भी काम करते हैं। अब जो एक और कार्टून का उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, डोरेमोन। अब आप लोग शायद आप में से कुछ लोग समझ ही गए होंगे कि हम डोरेमोन में किस गैजेट का उदाहरण देने वाले हैं, एनीवेयर डोर। एनीवेयर डोर में भी सेम लॉजिक है जो कि वार्म होल्स के साथ है। हालांकि कार्टून या मूवी में दिखाया है कि जैसे ही हम एनीवेयर डोर को खोलते हैं तो हम सीधे एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से सही ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है
कि वार्म होल्स हमें एक जगह से दूसरी जगह कुछ घंटों या कुछ मिनटों में पहुंचाते हैं बजाय सालों के। मतलब वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक क्विकर रूट है, क्विकेस्ट रूट नहीं। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या कभी इंसान वार्म होल्स के जरिए टाइम ट्रेवल या स्पीड ट्रेवल कर पाएंगे या नहीं। और मेरी राय में तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो आजकल की टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है उसे अगर ध्यान में रखें तो टाइम ट्रेवल और स्पीड ट्रेवल वार्म होल्स के जरिए हो पाएगा और हम वार्म होल्स को कैप्चर करके उन्हें ब्रोडन कर पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोगों को हमारे चैनल का कंटेंट लगता है ठीक तो सब्सक्राइब कर दीजिए टू इट्स यूनिक, बिकॉज वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब बटन के बगल में आ रहा जो घंटा है उसको कर दो तुम पर्सनलाइज से ऑल और लाइक के बटन पे कर दो अपनी उंगली को फॉलो।